ब्रेक से पहले वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमने जाना डॉक्टर साहनी से कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में, और अब जानते हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ और बातें। रवि, आई लाइक टू आस्क यू, प्रिवेंटिव एकोकार्डियोग्राफी या प्रिवेंटिव वैस्कुलर स्टडीज का क्या रोल है इन द इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स और कीपिंग ए हार्ट हेल्दी? रवि, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट इन्यूमरेट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक्स, लेट्स से, बिकॉज दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी। पीपल मस्ट रियलाइज दैट हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर मनचंदा ने भी बोला है, डॉक्टर सानी भी बता रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज, दीज आर द ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स टू विच वी मस्ट ऐड नाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वी मस्ट ऐड साइकोसोशल स्ट्रेस, वी मस्ट ऐड द फैक्टर दैट नॉट ईटिंग इनफ ग्रीन वेजिटेबल्स इज अ रिस्क फैक्टर, एंड इम्पॉर्टेंटली इफ देर इज अ फैमिली हिस्ट्री। वंस ए पर्सन, द जनरल पब्लिक रियलाइजेज दैट आई हैव वन ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स और टू ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश में शुगर के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। हाई ब्लड प्रेशर सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूटेबल कॉज है ऑफ डिसबिलिटी इन द होल वर्ल्ड, एंड वी आर लीडिंग दैट। सो हम एक ऐसे मिल्यू में रह रहे हैं जिसमें एक आपको चेकअप ज़रूर कराना पड़ेगा। वी से मेन ओवर 20, वीमेन ओवर 25, बट दैट कैन बी डिस्कस्ड, बिकॉज दीज आर द, इफ वी कैन कैच द रिस्क फैक्टर्स अर्ली, देन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रीएम्पशन एंड प्रिवेंशन, एंड दोज हु हैव कम अ लिटिल लेटर, देन कम्स द पॉइंट that apart from a lipid profile, sugar and everything, we can do scanning of the arteries. We can look at carotid intima-medial thickness, a simple test. After your physician has physically examined you, taken your blood pressure, taking your biochemistry, your internal milieu, they might just scan the arteries. And if those arteries anyway are above 7 millimeter, there is a parameter called intima-medial thickness. If it is above 7 millimeters, you can be rest assured that you already have the seeds of the disease. If you have the seeds of the disease, that is the time to hit hard and start reversing. Or agar plaque ban gaya hai aapke arteries mein, aur in procedures ka sabse badi baat ye hai ki ye non invasive hai, isme koi dieting ki zarurat nahi hai, fasting ki zarurat nahi hai, ye अपन आसानी से कर सकते हैं, लार्ज कम्युनिटीज एरियाज में कर सकते हैं, और अपन पीपल एट लार्ज को बता सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक नई स्टडी अभी चालू हुई है अमेरिका में, पहले ये और गाइडलाइंस में नहीं एक्सेप्टेड थी, लेकिन अब ये चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, जो कि आपने, हमने शुरू से इन चीज़ों पर काम किया। तो ये तो है कैरोटिड इंटीमा मीडियल थिकनेस। दूसरा जो वैस्कुलर स्टिफनेस है, जब हमारे पैनल के सब लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात को कि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिससे कि स्ट्रोक, हृदयाघात और किडनी डैमेज रैम्पेंटली हो सकता है, तो उससे हम एक कदम दूर चलें, आगे चलें कि भाई हम बिना इन्वेजन ऑफ द बॉडी के ये मालूम कर लें कि आपकी धमनियाँ स्टिफ तो नहीं हो गई हैं। थॉमस सीडनहैम ने 1600 में बोला था कि अ मैन इज एज ओल्ड एज हिज आर्टरीज, तो हम वो पहले ही मत बता सकते हैं। और अगर वो एज ओल्ड हो गए हैं तो उनसे कहें भैया अब तो योग चालू करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, फैट की तरफ देखो, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करो। तो ये एक बेसिस बनता है कि सिर्फ हम थियोरेटिकली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तभी अगर आप रिवर्सल दिखा सकते हो। डॉक्टर रवि कासलीवाल इज गिवन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी नो about chronological age, we know about biological age, we know about psychological age, but he used the word vascular age. वो बहुत ज़रूरी है। कई लोगों की vascular age 80 में 40 की रहती है, और कईयों की 40 की उम्र में 80 की उम्र हो जाती है। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है हमारे ख्याल से, तो इसकी जानकारी हर मीडिया से होना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो,
चाहे ट्विटर हो चाहे टीवी हो, हर जगह से इसकी जानकारी होना चाहिए। और मुझे ये बहुत खुशी हुई सुन के कि इसके बारे में जानकारी हमेशा दी जाएगी 24 आवर चैनल लाइक फैम हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज रवि, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू आस्क इज, वी टॉक ऑफ वेस्कुलर एज, इज इट रिवर्सिबल इफ द वेस्कुलर एज इज एडवांस, इज इट रेग्रेसिबल, इज इट प्रिवेंटेबल? तीनों चीज़ें करेक्ट हैं कि अगर हम अर्ली पकड़ते हैं इस चीज़ को तो हम प्रीएम्प्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर मॉडरेटली इंक्रीज है तो डेफिनेटली उसको बेटर ला सकते हैं, एडवांस्ड अगर है तो कम से कम स्टे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेटली एडवांस्ड है, हम लोग एक चलाते हैं क्लिनिक रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज क्लिनिक, और उसके अंदर हमने कई केसेस में ये देखा है कि एक्चुअली इंटीमा मीडियल थिकनेस रिवर्स होती है और जो वैस्कुलर स्टिफनेस है वो इम्प्रूव होती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपने जो रिस्क फैक्टर्स के बारे में है, एक चीज़ जिसे हमारे पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, फादर मदर ब्रदर्स की अगर फैमिली हिस्ट्री है, आप बिल्कुल स्लिम और ट्रिम होंगे, आपके कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होगी, आपको कोई और दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपको हाई पॉसिबिलिटी है, तो उस केस उन केसेस में आपको सीधे ही जैसे सीटी एंजियोग्राफी है या और बाकी एडवांस टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। और पर्टिकुलरली कई बार बच्चे आके कहते हैं कि सर मेरे फादर को भी इसी एज पे हुई थी। अगर आपके फादर को 54 की एज पे हुई थी तो भाई आपको तो 20 साल की उम्र से चलना चाहिए। कहते हैं कि पहले 2000 दिन जो होते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्कुलेशन में आर्टिकल है 2000 डेज इन चाइल्ड हिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाट डॉक्टर सानी सेड, द स्वीट स्पॉट, व्हाट वी आर गिविंग इज स्वीट्स रादर देन सीइंग द स्वीट स्पॉट। सो सिमिलरली इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, दैट्स अ मैसेज एज यू वेरी राइटली सेड बाय द चैनल शुड एक्चुअली गिव टू द पीपल। वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे इस स्पेशल पैनल डिस्कशन में आगे डॉक्टर से जाने हार्ट हेल्थ के और एस्पेक्ट्स के बारे में, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।